दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स की ओर से 24 नवंबर को 2020 को आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजिंग किया जा रहा है। मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के संयोजकों को आयोजकों को इस विशेष अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि ऐसे इवेंट से जो हमारे कलाकार हैं जो हमारे इस प्रकार के सिने जगत में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आयोजन की शुभकामना करता हूं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। ये मैं अभी होटल में हूँ, जिस होटल में सबसे प्यारा सबसे अच्छा अवार्ड शो होने जा रहा है कल से, मतलब कल मतलब 23 और 24 को धमाल एक मचाने जा रहा है आप सभी के आशीर्वाद से। तो मैं आज पेनिनसुला में हूँ, जिस पेनिनसुला में हमारा शो होने जा। आपने लेटर हमें दिया है, शुभेच्छा लेटर आपने दिया, आपको दिल से मेरा प्रणाम। उसके साथ साथ में महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के और गोवा के राज्यपाल साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत वीडियो दिया है, और साथ में राज ठाकरे साहब ने हमारा वीडियो का किया जो पोस्टर है उसका किया था उद्घाटन। उसके साथ साथ में हमारे तमाम जो लोग जो बड़े बड़े स्टार जो आने जा रहे आ रहे हैं, 23 तारीख को हम अवार्ड दे रहे हैं वो तमाम योद्धा को, 23 को हम अवार्ड दे रहे हैं वो तमाम योद्धा को जिन्होंने इस कोविड काल में इस लॉकडाउन में जो बहुत ही गरीबों को हेल्प किया है उन सभी को हम सम्मान कर रहे हैं 23 को। और 23 को 1 बजे होगा इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल वो होगा 23 को 1 बजे, और 5 बजे शुरू होगा इस साल का सुपर हिट अवार्ड शो जिसका नाम है DPIAF COVID-19 योद्धा अवार्ड। 5 बजे शुरू हो जाएगा और फेसबुक लाइव होते रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग यहां पर आएंगे सब फेसबुक लाइव करने वाले हैं, जितने भी लोग यहां पर आएंगे सब फेसबुक लाइव करने वाला, मेरा भी फेसबुक लाइव होगा। और 24 को होने जा रहा है इस साल का नंबर वन शो, बोले तो एक नंबर झकास मस्का मार के मलाई मार के। शो का नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 24 नवंबर को। बहुत सारे गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे बीच में तुसी जी आएंगे जो मुगल के लास्ट वंश है, वो आने वाले हैं और दोनों दिन 23 एंड 24। और तमाम जो गेस्ट ऑफ ऑनर आने वाले, तमाम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और मेरे कोर कमेडी टीम को धन्यवाद करता हूं, मेरे जितने मेरे साथ जुड़े हैं उनको धन्यवाद करता हूं, मेरे साथ जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको धन्यवाद करता हूं, मेरे साथ जितने भी मेरे 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 शो के साथ चल रहे हैं, सेव को लेकर चल रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, जो भी परफॉर्मर है, जो भी आर्टिस्ट है, उन सभी को दिल से मैं नमन करता, मैं सलाम करता, थैंक यू सो मच। आप सभी को रॉक होने जा रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्त, सिर्फ आपका आशीर्वाद दोस्तों आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो मैं अच्छे अच्छे की पूछ मार सकता हूं, क्योंकि बहुत लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, करने दो भाई। वही गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तो इसलिए लोगों के पीछे लगा है, जो कर पा रहा है उसके पीछे लगा है, जिंदगी में खुद तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन जो कर पा रहा है उसके पीछे लगा है कुछ।